नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो आपके सीजी व्यापम पीएससी के एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पहली बार आए तो सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि ऐसे जब भी वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, पहली बार आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, हमारे पुराने विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा, डायरेक्ट आपके व्यापम के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो सीजी व्यापम में पूछे गए हैं मल्टीमीडिया, नेटवर्क, जीमेल, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट एक से दो नंबर के प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो पहले हम नेटवर्क जीमेल से देखेंगे क्वेश्चन, जो पहले पार्ट वन वीडियो में पूरा कंप्लीट किए थे, ये आपका पार्ट टू वीडियो है। ठीक, तो इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखना और अंत तक इस वीडियो को सुन के जाना, दिमाग में नहीं कान में, है ना। तो इसको अच्छे से कवर करना, मैं बोलते जा रहा हूँ टॉपिक उसको सुनते चलिए। सबसे पहले मैं बात करूँ चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है, यानी कि जो आपके मोबाइल है, जो भी आपके टॉपिक है ना, मतलब जो चित्र है, इमेज है, जो अगर आपके इनबॉक्स में भेजा गया है तो कितने दिन तक रहता है, 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन या 27 दिन। तो चित्र संदेश निजी इनबॉक्स, जैसे कि आपके मोबाइल में मैसेज वगैरह रहता है जो आता है, वो आपके कितने दिन तक रहता है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 30 दिन, मात्र कितना दिन, 30 दिन। ठीक, दूसरा है ईमेल का फुल फॉर्म होता क्या है। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, वीडियो को अंत तक सुन के जाना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको ये ऐसे टॉपिक में वीडियो लेकर आया हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक, ब्लॉग शब्द दो शब्दों से बना होता है, जो ब्लॉग है वो दो शब्दों से बना होता है, कौन कौन से वेब और लॉग, वेब लॉग। ठीक, सीसी क्या होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सीसी या बीसीसी। ठीक है, तो सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लेंड कार्बन कॉपी। सीसी और बीसीसी का तात्पर्य यह है कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा समझना। सीसी और बीसीसी में अंतर है कि कार्बन कॉपी द्वारा भेजे गए संदेश में प्राप्तकर्ता को यह पता होता है कि यह संदेश कितने लोगों को भेजा गया है, यह आपका सीसी है, और जो संदेश भेजा नहीं गया, उसको प्राप्त नहीं हुआ है, उसको बीसीसी कहते हैं, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो चित्र, इमेज, फोटो, वीडियो जितने भी उसको संदेश में भेजे जाते हैं, उनको यह संदेश प्राप्त नहीं हो पाता, उनको हम बीसीसी कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, यह आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपको जो जो एग्जाम में पूछा गया वो टॉपिक कवर करा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको सुनना बस है। तो देखिए, चलिए हम फटाफट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल, ऐसा कौन सा ईमेल है जो निशुल्क है। ठीक, ईमेल कौन सा है जो निशुल्क है ना, तो कौन सा निशुल्क है, तो हॉटमेल, याहू, रेडिट मेल, गूगल, ये सभी आपका निशुल्क है। ठीक, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों में अपने आप को पूरा करता है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो दो भाग में उसको पूरा कर लेता है अपने आप में, ऐसा कौन सा ईमेल है, तो फ्रॉम और डेट, फ्रॉम और डेट, इसको याद रखना। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीदी बिक्री क्या कहलाता है। अब कंप्यूटर में हम खरीदी बिक्री करेंगे, जैसे मेसो हो गया, कुछ कुछ ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हैं, तो किससे खरीदते हैं, ये क्या कहलाता है वो बिजनेस, तो वो आपका ईमेल मतलब ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ई कॉमर्स। मैं जितने टॉपिक आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, मैं बात करूं निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो विगत वर्षों का टॉपिक लेकर आया हूं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा ईमेल है, मैं आपको बताते चल रहा हूं, आप लोग सुनते बस रहिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता, तो स्पेस, बस इसको बस याद रखना, बाकी @.gmail ये जितने भी टॉपिक आते हैं, @_period_bracket वगैरह, ये सभी आते हैं। ठीक, तो ये सभी आपकी जीमेल में आएंगे, बल्कि आपका स्पेस रहता है इस प्रकार का स्पेस, जो कंप्यूटर में टैब स्पेस दबाते हैं ना, वही है जो ईमेल में नहीं रहता, बस इतना याद रखना। ठीक, ईमेल अटैचमेंट होता क्या है, तो ईमेल अटैचमेंट अब याद रखना, ये दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट होता है जो ईमेल के साथ उसको जोड़ा जाता है, भेजा जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब मैं एक और है, क्लासरूम में ना जाकर, क्लासरूम में ना जाकर कंप्यूटर या फिर इंटरनेट के जरिए अध्ययन करना लोकप्रिय तरीके से या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करना क्या कहलाता है। जैसे कि क्लासरूम में ना जाकर, यानी कि कोचिंग संस्थान या कुछ कुछ ऐसे क्लास में ना जाकर, या आप इंटरनेट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, या आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और जैसे कि आप, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, रीड करवा रहा हूँ, ठीक, लर्निंग करवा रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। पहली बार आप क्या करने का, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करना, और सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि मैं ऐसे वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिले, है ना। तो डेली मैं कंटिन्यू क्लासेस करवा रहा हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन का, प्रयोगशाला परिचालक का, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परिचालक का, बिल्कुल तैयारी निरंतर प्रयास करते रहिएगा, सफल जरूर होगी। क्योंकि अब कंप्यूटर में देखिए, हॉस्टल वार्डन कंप्यूटर में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको 15 नंबर लाना अनिवार्य है। पहले 2016 के सिलेबस के अनुसार 50 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे थे, अब 2024 में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ्स आपका 25 नंबर, ठीक है, टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बने रहिएगा। इसको ई लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासरूम में ना जाकर इंटरनेट से पढ़ाई करना या यूट्यूब से पढ़ाई करना आपका क्या कहलाता है? ई लर्निंग कहलाता है, ठीक। अब बात करते हैं ई व्यापार। ई व्यापार क्या है? तो ई व्यापार का मतलब होता है इंटरनेट पर व्यापार करना। इसके बाद मल्टीमीडिया से क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब है चैटिंग क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो, मैसेज में चैटिंग करते हो, क्या होता है? तो चैटिंग क्या है? एक रियल टाइम कन्वेंशन, याद रखना, रियल टाइम कन्वेंशन। अब इंटरनेट से जुड़कर कंप्यूटर के माध्यम से दो व्यक्तियों को आपस में लिखकर रियल टाइम संवाद स्थापित करना चैटिंग कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? चैटिंग, याद रखना। इंटरनेट से जुड़कर कंप्यूटर के माध्यम से दो व्यक्तियों का आपस में या तीन व्यक्तियों का आपस में रियल टाइम संवाद स्थापित करना चैटिंग कहलाता है। और ईमेल भेजना किसके समान होता है? ये जब ईमेल भेजते हैं तो पत्र लिखने के समान होता है, ठीक, याद रखना। ईमेल भेजा पत्र लिखने के समान होता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता क्या है? तो कई लोगों को मालूम नहीं होगा, तो ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है आपके दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल को परिचालन करना। यहाँ तक आपको क्लियर आया, समझ, ठीक। अब प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, प्रत्येक ईमेल है, हर ईमेल अकाउंट में क्या होता है? एक स्टोरेज एरिया होता है। उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स, ठीक। तो ये टॉपिक हमने कवर किए। अब एक और टॉपिक है, ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए जो प्रयुक्त प्रोटोकॉल है उसको क्या कहते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, ठीक। अब फाइल के जो स्थानांतरण और मैसेज आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी कौन सा है? ईमेल है, ठीक, मैंने आपको बताया। और ईमेल में मैसेज जैसे करते हैं और वो आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, सेव नहीं हो पाया, नहीं भेज पाया, उनको क्या कहते हैं? वो कहाँ जाएगा? ड्रॉप में जाएगा या फिर सेव हो जाएगा या फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया। कुछ क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मल्टीमीडिया का तात्पर्य डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि किसी सूचना को प्रस्तुत करने का माध्यम, मतलब टेक्स्ट, ऑडियो, रेडियो, चित्र, एनिमेशन, जितने भी टॉपिक आते हैं, टेक्स्ट है, रेडियो, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, फोटो वगैरह, ये सभी आपके मल्टीमीडिया है, ठीक। अब मल्टीमीडिया में क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और एनिमेशन किसी दो या दो से अधिक मिश्रण मल्टीमीडिया कहलाता है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। अब देखेंगे एक और है मल्टीमीडिया के फाइल एक्सटेंशन, यहाँ तक डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो GPEG यानी कि GPG, GIF को गिफ्ट, इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। मैं डायरेक्ट अब 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ मल्टीमीडिया के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो मेल से हम क्या भेजते हैं? तो वीडियो के माध्यम से हम क्या भेजते हैं, याद रखिएगा, या आपका ग्राफिक्स, वीडियो मैसेज और ये सभी, इसका आंसर। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग करने का तरीका क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाएगा, जैसा आपको मैं बताया। और मल्टीमीडिया एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं,
वीडियो को याद रखना, वीडियो में एक बार अंत तक जरूर देखना। मल्टीमीडिया से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया था। ठीक, कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक, आप देखिएगा कि मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए, जो मोशन पिक्चर ग्रुप यानी कि MPEG में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जी, आप लोग बताओ कमेंट करके, आप लोग बताओ कमेंट करके कि कौन सा उपयोग करते हैं। तो वीडियो एडिटिंग, ठीक, क्या होगा वीडियो एडिटिंग, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज यानी कि BMP, PNG और GPG टिप गिफ्ट ऐसे एक्सटेंशन के साथ प्रयोग होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बिटमैप कहते हैं, याद रखना। पांच क्वेश्चन और बता रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा, पांच नहीं, पांच क्वेश्चन बताऊंगा 15 क्वेश्चन के बराबर। ठीक, तो देखिएगा, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनिमेशन और ग्राफिक्स का मिश्रण आपका मल्टीमीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया, याद रखना। MPEG का पूरा नाम होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट। मैंने आपको उस दिन बताया था कि मतलब फुल फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मैं पूरे फुल फॉर्म से क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक, किन फाइलों को एक्सटेंशन नाम यानी कि MPEG होता है, किस फाइल का एक्सटेंशन नाम, आपको बताया था वीडियो, MPEG एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं MP4 वीडियो। ठीक, और मल्टीमीडिया में सम्मिलित क्या क्या हो सकते हैं, मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो ध्यान सुनिएगा, मल्टीमीडिया में वीडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स एनिमेशन ऑडियो और वीडियो लिखित रूप से एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और है कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यम प्रयोग करने का तरीका, आपको मल्टीमीडिया कहलाता है। मोशन पिक्चर क्लिप में आपको बताया वीडियो एडिटिंग, मल्टीमीडिया है ना, तो वीडियो प्रोसेसर जो चित्र को स्टोर और प्रोसेस करता है उसको VGA कहते हैं। क्या कहते हैं, VGA। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चित्र में कंप्यूटर को स्टोर करने का तरीका मल्टीमीडिया है ना, तो कल के क्लासेस में आप तैयार रहिएगा, कल जो क्लासेस होगी उसमें आपको हम बताएंगे सॉफ्टवेयर यानी कि आपका कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन कराएंगे, है ना, एग्जाम में पूछे जाएंगे सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जितने भी एग्जाम में सॉफ्टवेयर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, तैयारी करके आइएगा। ओके, धन्यवाद पहले, और अपने वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।